आज गोभी शिमला मिर्च और प्याज का देखिए सब्जी बनाए बहुत टेस्टी वाला। देखिए कितना अच्छा कलर है, बहुत टेस्टी। चलिए इसको देखिए पूरा प्रोसेस। देखिए तो हल्का मसाला डाल के गोभी शिमला मिर्च और प्याज को भून लेना है। तेल मत डालिए, फ्राई नहीं करना है, हल्का तेल डाल के जो भूनना है। हल्का हल्दी पाउडर, मिर्ची, धनिया पाउडर डाल के और क्या बोलते हैं नमक डाल के उसको भून दीजिएगा। वही कढ़ाई में थोड़ा तेल, जीरा, थोड़ा लहसुन, थोड़ा अदरक, थोड़ा हरी मिर्च और थोड़ा प्याज डाल के इसको क्या बोलते हैं भूनना है। मसाला उसमें भुनने में डाले थे इसीलिए हल्का मसाला इसमें भी डालेंगे। नमक उसमें भी हल्का डाले थे, इसमें भी नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें हल्का मसाला डालिए क्योंकि मसाला भुनने में डाले हुए थे। नमक भी स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि नमक उसमें भी डाला हुआ था। और थोड़ा सा क्रीम, देख लीजिए घर का बना हुआ क्रीम है ये। सबको डाल के अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी टाइप का बना के, ग्रेवी टाइप बन चुका है। इसमें टमाटर सॉस और चिली सॉस जितना सब्जी बनाओ वही हिसाब से डाल दीजिएगा। दो दो चम्मच डाल लेते हैं हम। देखिए इसको क्या बोलते हैं इसका ग्रेवी तैयार कर लेंगे। देख लीजिए भुना रहे हैं अच्छा, जब तेल छोड़ने लगा सही से समझिए ये ग्रेवी इसका बन गया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। देख लीजिए पानी डाल रहे हैं क्योंकि भुनने में ही गोभी और शिमला मिर्च सब पक गया है, इसीलिए इसमें कमी हम ग्रेवी के लिए डालेंगे। और जितना भी भुना हुआ है सब्जी सब इसमें डाल देंगे, शिमला मिर्च, प्याज और गोभी सबको डाल दीजिएगा। और अच्छा से एक दो खोलाने के बाद तक इसको पका लीजिए। जितना ग्रेवी चाहिए हिसाब से रख लीजिएगा आप। बहुत टेस्टी सब्जी इस तरह एक बार बनाइए। गोभी की सब्जी बहुत टेस्टी लगते हैं, गोभी और शिमला मिर्च का सब्जी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इस तरह बना के ज़रूर खाइएगा। ज़्यादा तेल भी नहीं पड़ा और बहुत टेस्टी सब्जी बन गया। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। कितना बनकर सब्जी तैयार हो गया है देख लीजिए, जितना दिखने में उतना अच्छा खाने में भी है। आप लोग ज़रूर शिमला मिर्च, प्याज और गोभी का सब्जी इस तरह बनाइएगा। शिमला मिर्च और गोभी का सब्जी देख लीजिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप प्लीज़ आप लोग ज़रूर बना खाइएगा इस तरह। कितना अच्छा कलर आया है सच में, जितना देखने में लग रहा है उतना अच्छा टेस्टी खाने में लगता है। आप लोग खा लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।